Be Sportian. Stay Sportian. We Sportian. Jai Hind. Hello Sportian, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के उगते हुए सूरज की, जिन्होंने आते ही हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने की तैयारी बना ली थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विजय शंकर की। आपको बता दें कि विजय शंकर एक दाएं हाथ के बल्लेबाज और मध्यम तेज गति गेंदबाज भी है, जो आज भारतीय टीम की तरफ से न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं। विजय शंकर का जन्म 26 जनवरी 1991 को हुआ था। बताया जाता है कि विजय शंकर जी के पिताजी श्री एच शंकर ये खुद एक अच्छे क्लब क्रिकेटर रह चुके हैं, और विजय शंकर का एक भाई तमिलनाडु क्रिकेट लीग में भी हिस्सेदारी ले चुका है। तमिलनाडु में रहने वाले विजय के घर से क्लब क्रिकेट काफ़ी दूर था, तो आने जाने में काफ़ी सारा समय व्यतीत हो जाता था, तो इसीलिए उनके पिताजी ने खुद के घर की छत के ऊपर ही नेट और मैट लगा के वहीं पे विजय की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी थी। विजय शंकर ने अपने करियर की शुरुआत स्पिन गेंदबाजी से करी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तमिलनाडु क्रिकेट टीम में स्पिन गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है, तब उन्होंने तेज गति गेंदबाजी करना शुरू कर दी थी और उनको उनमें कामयाबी हासिल हुई। विजय शंकर ने अपने करियर का पहला रणजी मैच 2012-13 में खेला था, जिसमें विजय शंकर को 3 मैच खेलने मिले थे और उसमें एक नाबाद शतक भी उन्होंने ठोक दिया था। विजय शंकर का अब तक का सबसे अच्छा रणजी टूर्नामेंट 2014-15 में आया था, जिसमें विजय शंकर ने 7 मैच खेले थे और उसमें उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक के साथ ही 8 विकेट भी चटका दिए थे। अगर बात करें विजय शंकर के आईपीएल करियर की, तो आईपीएल करियर का पहला मैच उन्हें 2014 में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलने को मिला था। हालांकि इस सीजन में उनको बस एक ही मैच खेलने को मिला था। इसके बाद उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयरडेविल की तरफ से भी मैचेस खेले हुए हैं। विजय शंकर का नाम पहली बार सुर्खियों में 2017 में आया था, जब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भुवनेश्वर कुमार की जगह विजय शंकर को शामिल किया गया था। फरवरी 2018 में श्रीलंका में एक T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विजय शंकर ने भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर एंट्री की थी। विजय शंकर ने 6 मार्च 2018 को अपने करियर का पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, जो कि श्रीलंका के खिलाफ था, और इसी सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें पहला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी हासिल हुआ था। आपको बता दें कि फिलहाल टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पे है, और चौथा वनडे बुरी तरह से हारने के बाद 5वें वनडे में जब टीम इंडिया मैदान में उतरी थी, तो विजय शंकर ने एक अच्छी जिम्मेदाराना पारी खेली थी, जिसकी सराहना बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स भी करते नजर आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी स्पोर्टियन, स्टे स्पोर्टियन, बी स्पोर्टियन। बाय। बी स्पोर्टियन, स्टे स्पोर्टियन, वी